हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर वैभव तिवारी और आज मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर बताऊंगा, कैसे हम इम्प्लांट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद आगे के दांतों का काम किया जाता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कैसे प्रोसीजर होती है। तो गाइज़, ये पेशेंट स्पेशली हमारे बिहार से आए हैं और इनका समस्या ये था कि इनके सामने के दांत नहीं थे, जो इनके दांत नहीं थे ऑलरेडी इन्होंने एक इम्प्लांट कराया था सेंट्रल इंसाइजर में। मैं यहाँ पे आपको पहले इमेज भी दिखाता हूँ, यहाँ पे एक्सरे में। हाँ, तो आप गाइस देख रहे हैं ऑलरेडी इन्होंने इम्प्लांट करवाया है, उसके ऊपर दांत भी लगवाया है और यहाँ पे इनके इतना बड़ा जो स्पेस है ये लेटरल इंसाइजर के लिए है, जो छोटा दांत होता है। अगर हम कंपेरिजन इससे करते हैं, सामने वाले दांतों से करते हैं, तो ये छोटा दांत होता है, लेकिन दांत का जो स्पेस है वो बहुत बड़ा है यहाँ पे। दूसरी बात यह है, जो ये ऑलरेडी इन्होंने दांत लगवाया था ये छोटा था साइज़ में। अगर तुलना की जाए ये सेंट्रल इंसाइजर से तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये छोटा बनाया गया था, तो ये भी हम चेंज करने वाले हैं। तो चलिए अभी के कंडीशन में आपको दिखाऊंगा जिसमें हमने इम्प्लांट प्लेस कर दिया है और कितने देर में हुआ है, कैसे हुआ है, वो हमारे पेशेंट ही बताएंगे, मैं नहीं बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इम्प्लांट दिखा देता हूँ, आकर। तो गाइज़, आप यहाँ देख सकते हैं ये दो इम्प्लांट हमने प्लेस किए हैं, क्योंकि हमको इमीडिएट इमीडिएट हमको लोड डालना है। तो ये दो इम्प्लांट प्रोटोकॉल होता है जिससे इसका लाइफ बहुत बढ़ जाता है, लाइफ लॉन्ग हो जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक दांत लगा था जो छोटा था साइज़ में, तो वहाँ भी हमको क्राउन्स चेंज करना है, बदलना है, दांत बदलना है। तो यहाँ और यहाँ पे हम दांत लगाने वाले हैं इनको। सो गाइज, जो अभी ये इम्प्लांट प्रोसीजर हुई है वो जस्ट आज ही शुरू हुई है, अभी थोड़ी देर पहले। कितने देर पहले हुआ सर्जरी स्टार्ट? मुश्किल से 10-15 मिनट में सब हो गया। 10-15 मिनट। मुझे पता भी नहीं चला। पहले अच्छा, पहले इम्प्लांट किया था कितने साल, कितने टाइम लगे थे तो 1-1.5 साल लग गया था, पहले बहुत परेशान किया ये हम। इम्प्लांट करने? हाँ, एक इम्प्लांट करने 1-1.5 साल समय लिया था। ये तो 15-20 मिनट मुझे कुछ पता नहीं चला। हम तो फिर उठे और हैं तो हो तकलीफ का गया। क्या बोल रहे थे तुम पहले इम्प्लांट में? पहले में दर्द होता था, हम उसको बार बार बोलते थे दर्द हो रहा दर्द हो, फिर रुकते थे फिर करते थे। यहाँ मुझे पता भी नहीं चला। हम ऐसे अभी उठे हैं, सर बोले कि हो गया तो समझ में आ गया, अरे हो गया, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ। सो गाइज, आपने देख लिया कि इम्प्लांट भी हो गया, दो इम्प्लांट हमने प्लेस किया है। और हम पहले शॉर्ट वेरिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे RVG होता है, ये डिजिटल होता है, जिससे हम एक शॉर्ट वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ब्यूटीफुली तरीके से इम्प्लांट प्लेस्ड है। अब इसके बाद गाइज, हमारे पास OPG मशीन भी है, CBCT मशीन है, जिससे हम डायरेक्ट पेशेंट को अभी चेक कर लेंगे, फाइनल चेक कर लेंगे कि कैसा पोजिशन है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस लगता है तो तुरंत चेंज करके आगे का काम हो सकता है। तो कोई भी रुकने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमारे यहाँ काम बहुत फास्ट होता है, जल्दी होता है और बेस्ट होता है। तो चलिए अभी आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम OPG लेते हैं, उसकी मशीन कैसे होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, अभी हम दूसरे रूम में आ गए हैं जहाँ पे हम CBCT OPG हमारे यहाँ होता है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हमको पेशेंट का OPG लेना है। ये हमारा सर्जरी रूम है, जस्ट बाजू में, आप देख सकते हैं, ठीक है? पेशेंट हैप्पी है। तो चलिए अब मैं आपको, आइए मशीन दिखाता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो ये पूरा मशीन है, जो ये रूम है स्पेशली, ये प्रोटोकॉल के से हमने पूरा रूल से ये रूम बनाया है ना? और यहाँ पे OPG CBCT सब यहाँ पे हो जाता है, मतलब पेशेंट को कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुरंत हम देखेंगे एंड उसके बाद जो भी तुरंत मॉडिफिकेशन करना है तो तुरंत हो जाता है, जिससे समय भी बचता है, और विजिट्स भी बच जाती है, और बेस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है तुरंत। तो गाइस चलिए अभी OPG लेते हैं, और तुरंत OPG होगा, और जो भी रिपोर्ट्स होती हैं OPG हो या CBCT हो, हम तुरंत यहाँ पे देखेंगे, अभी तुरंत आएगा। तो ऐसा भी नहीं कि हमको वेट करना पड़े, 4-5 दिन का वेट करना पड़े, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आइए यहाँ पे, ये देखिए हम पेशेंट को, हमारी असिस्टेंट सेट कर रही है कैसे पोजिशन होनी चाहिए OPG के लिए, CBCT के लिए। तो यहाँ से सेट किया जाता है और तुरंत फिर हम शूट करेंगे और इनका OPG रिपोर्ट वहाँ पर आएगा। तो चलिए ठीक है। सो गाइज, अभी रिपोर्ट्स आ चुकी है, आइए मैं रिपोर्ट्स दिखाता हूँ आपको। देखिए ये रिपोर्ट आ चुकी है और हमारे जो इम्प्लांट्स हैं वो परफेक्ट प्लेस्ड हुए हैं। हमको मतलब नो नीड ऑफ एनी मॉडिफिकेशन, कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट ऊपर ऊपर से वर्क होगा, एकदम परफेक्ट प्लेस्ड है। लेकिन तब भी हम चेक करते हैं कि कोई ज़रूरत है क्या, अगर कुछ ज़रूरत है तो तुरंत कर सकते हैं, लेकिन अभी ये पोजिशन में कोई भी ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्टली प्लेस्ड है। और अब हम जस्ट आगे का वर्क करेंगे और इनको हम जिरकोनिया क्राउंस देने वाले हैं, तो जिरकोनिया के लिए मेजरमेंट लेंगे और आगे का वर्क अब भी तुरंत शुरू हो जाएगा। तो
तो जल्दी इनको मान के चलिए 3 से 4 दिनों में आराम से भी करें तो इनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओल्ड इम्प्लांट दिख रहा है, ये जिसमें इन्होंने बताया कि 1.5 साल का मुझे इस वक्त लगा, तकलीफ भी हुई, तो ये ओल्ड इम्प्लांट है। और यहाँ पे हम जो इम्प्लांट डाले हैं ये अभी न्यूली स्विस इम्प्लांट है, स्विट्ज़रलैंड के इम्प्लांट्स हैं और फैंटेस्टिक हो गया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और अभी आपने जो देखा था प्रोसीजर इम्प्लांट की हमने किया था, CBCT पे OPG लिया था, फिर अभी इनका फाइनल जिरकोनिया टीप भी इनको लग गया है। और चलिए मैं दिखाता हूं आपको, स्माइल देखेंगे, ब्यूटीफुल स्माइल है ना, ब्यूटीफुल स्माइल। देखो आप भी देखो, ये स्पेशल हाबड़ा, कहाँ से आए हो आप? बिहार से। बिहार से। बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल अभी देख रही है, हंसो, बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है दोस्त, बताओ? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास तो दांत दांत नहीं था, यहाँ आए, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ अपना अनुभव कि जैसे तुमने एक इम्प्लांट कराया था, फिर से मैं जानना चाहूँगा, अभी ये तुम्हारा इम्प्लांट हुआ, दो इम्प्लांट थे, हाँ, दांत लगाया, कितने दिन में हुआ और कैसा महसूस हुआ? यहाँ बहुत ही फास्ट, यानी कि एक दिन क्या 20 मिनट में इम्प्लांट हो गया, और उसके बाद फिर वही दो दिन के बाद मेरा ये दांत लग गया जर्कोनियम वाला, तो यहाँ बहुत फास्ट काम हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। पहले वाला में तो जब हो रहा था तो थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन इस वाले में तो दर्द भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, हम चुपचाप ऐसे बैठे हुए ऐसे लेटे हुए थे, आज सब इम्प्लांट भी हो गया, अब 2 दिन के बाद दांत भी लग गया, यानी 3-4 दिन में पूरा सब हो गया कंप्लीट। और कल जा रहे हैं? कल मैं जा रहा हूँ, कल ट्रेन है। कहाँ से आए आप बताओ? हम आए हैं बिहार से। बिहार से, तो बस अब गुड लक, टेक केयर दोस्त, ठीक है, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और गाइज होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा, मैंने आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से प्रोसीजर होती है, और बस होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।